नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबर। सहारनपुर के ITC रोड स्थित श्याम नगर गली नंबर 1 में RK एंटरप्राइजेज नामक रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिसकी सूचना CFO अधिकारी तेजवर सिंह को प्राप्त होते ही दमकल विभाग की समस्त गाड़ियां मौके पर पहुंची तथा लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पत्रकारों से बात करते हुए CFO अधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें ये सूचना लगभग 11 बजे मिली थी तथा सहारनपुर की समस्त दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और अभी दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। NBD से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। लगभग 11 बजे के आसपास सूचना आई थी कि RS एंटरप्राइजेज है, इसमें रबर का काम होता है, जो छोटे जनरेटर होते हैं उसके पहिए टाइप का कुछ बनाते हैं, इसमें आग लग गई थी। तत्काल 3 फायर टेंडर के साथ मौके पर आए और आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग थी इसमें क्योंकि ज़्यादा थी तो होम कंपाउंड का इसमें यूज़ किया गया और वो केमिकल की सहायता से बहुत जल्दी ही हमने इस पर कंट्रोल कर लिया। तो कितनी गाड़ी सर अब तक आ चुकी है? 3 गाड़ी थी, जैसे ही पानी समाप्त होता है वापस रिफिल करके ले आते हैं और लगभग 95% कंट्रोल हो गया, बस समाप्त कर रहे हैं। थोड़ा कहना सर, पिछले कई सालों से फैक्ट्री चली आ रही है, ऐसे ही इलाके में बड़ी घटना हो सकती है, इस बारे में मैं अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये तो जाँच का विषय कैसे चल रही थी। फिलहाल इसको आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया, कोई जनहानि नहीं है, कोई किसी को इंजरी नहीं है और आग को बुझा के हम लोग बहुत जल्दी इसको समाप्त करेंगे। उसके बाद ही आग लगने के क्या कारण थे, किस कारण से जानना चाहिए, ये अभी देखना पड़ेगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, जो भी होगा बाद में जांच के बाद इन सब चीज़ों पर बात करेंगे।